इन्फोकस ने दोस्तों आज इंडिया के अंदर एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है इन्फोकस A2 नाम से। और ये स्मार्टफोन का प्राइस रखा है दोस्तों 5,199 रुपए, यानी कि 5,200 रुपए। और इसी प्राइस रेंज के आसपास आप लोगों के पास एक तगड़ा ऑप्शन है Xiaomi Redmi 5A का। तो आप लोगों को इन्फोकस का ये A2 परचेस करना चाहिए या फिर हमारा देश का स्मार्टफोन जो कि है Xiaomi Redmi 5A ये परचेस करना चाहिए। सारे कंफ्यूजन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूर करने जा रहा हूं, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ेगा तभी मैं आप लोगों तक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्फोकस दोस्तों काफी दिनों से इंडिया के अंदर काफी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं और काफी अच्छे प्राइस में लॉन्च कर रहे हैं और Xiaomi जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं। ये इन्फोकस का A2 जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये भी Xiaomi Redmi 5A को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो क्या सही में टक्कर दे पाएगा? आप लोगों को 5,200 रुपए में क्या कुछ स्पेसिफिकेशन मिलता है? तो चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं कि आप लोग को इन्फोकस A2 में एंड Xiaomi Redmi 5A में क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। पहले अगर बात करें डिस्प्ले की, तो ये इन्फोकस A2 एंड Xiaomi Redmi 5A दोनों में ही आप लोगों को मिलता है दोस्तों 5 इंचेस का एक HD स्क्रीन, जहां पे 16:9 एस्पेक्ट रेशियो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और इस प्राइस रेंज में हालांकि सभी डिवाइसेस में आप लोगों को 16:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को नहीं मिलता है। और अगर बात करें दोस्तों सॉफ्टवेयर की, तो आप लोगों को Xiaomi Redmi 5A में मिलेगा एंड्रॉइड नूगट 7.1.2 आउट ऑफ द बॉक्स। इसके ऊपर आप लोगों को मिलेगा MIUI 9 का सपोर्ट। MIUI Xiaomi का अपना कस्टम UI है, जहां पे आप लोगों को काफी सारे इनबिल्ट कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। अगर बात करें इस इन्फोकस A2 की, तो यहां पे आप लोगों को मिलेगा दोस्तों एंड्रॉइड नूगट 7.0 आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके ऊपर आप लोगों को 360 UI मिलेगा, यानी कि ये इन्फोकस का अपना कस्टम UI आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें प्रोसेसर की, तो Xiaomi Redmi 5A में आप लोगों को मिलेगा दोस्तों Qualcomm Snapdragon का 425 क्वाड कोर प्रोसेसर, जो कि क्लॉक्ड है 1.4 GHz पे। एंड ये जो इन्फोकस A2 आता है दोस्तों, ये आता है स्प्रेडट्रम का एक क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ, इसका भी क्लॉक स्पीड आप लोगों को 1.3 GHz तक की मिल जाती है। अगर बात करें दोस्तों दोनों की रैम एंड इनबिल्ट स्टोरेज की, तो दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को 2GB की रैम एंड 16GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाता है। Redmi 5A में दोस्तों आप लोगों को डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, यानी कि आप एक ही साथ में दो सिम एंड एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर बात करें कैमरा की, तो Xiaomi Redmi 5A में आप लोगों को मिलेगा दोस्तों 13 MP का रियर कैमरा f2.2 एपर्चर के साथ LED फ्लैश रियर में मिल जाता है। फ्रंट में आप लोगों को मिलता है दोस्तों 5 MP का फ्रंट कैमरा सेल्फीज के लिए। अगर बात करें ये इन्फोकस A2 की, तो यहाँ पे आप लोग को पीछे एंड सामने दोनों ही तरफ आप लोग को 5 MP का कैमरा मिलता है, यानी कि रियर भी आप लोग को 5, फ्रंट में आप लोग को 5 मिलता है और रियर में LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। अगर बात करें बैटरी की, तो ये इन्फोकस A2 में आप लोग को मिलेगा 2400 mAh की बैटरी एंड Xiaomi Redmi 5A में आप लोग को मिलता है 3000 mAh की बैटरी। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप आप लोगों को Redmi 5A में ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो यही थे दोस्तों स्पेसिफिकेशंस, और दोनों ही में दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, जबकि टेनोर डी में आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि इसी प्राइस रेंज में आता है। तो यही था दोस्तों स्पेसिफिकेशंस इन दोनों फोन्स के। अब बताते हैं मेरा ओपिनियन कि क्या आप लोगों को Redmi 5A लेना चाहिए या फिर इनफोकस A2 लेना चाहिए। तो डेफिनेटली यार Redmi 5A लेना चाहिए। क्यों? यहाँ पे प्रोसेसर आप लोगों को बेटर मिलता है, एंड्रॉइड का नया वर्जन मिलता है, MIUI काफी अच्छा है। अगर कंपेयर करेंगे 360 UI से, MIUI में काफी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं इनबिल्ड एंड काफी हेल्पफुल फीचर्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर बात करें कैमरा की, तो कैमरा भी बेटर मिलता है आप लोगों को अगर कंपेयर करेंगे इस इन्फोकस A2 से। इन्फोकस A2 का रियर कैमरा मिलता है 5 MP का, जबकि Xiaomi Redmi 5A में मिलता है 13 MP का रियर कैमरा। तो कंपेयर करके आप देख सकते हैं कितना मेगापिक्सल ज्यादा मिलता है। एंड सिर्फ मेगापिक्सल देखना नहीं चाहिए, सेंसर साइज भी अगर आप कंपेयर करेंगे GSM Arena पे जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि Redmi 5A का ही रियर कैमरा बेटर होने वाला है एज कंपेयर टू ये इन्फोकस A2। फ्रंट कैमरा में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को इन दोनों डिवाइसेस में, लेकिन रियर कैमरा में डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। और एक बड़ा डिफरेंस जो है दोस्तों, बैटरी। यहाँ पे Xiaomi Redmi 5A प्रोवाइड करता है 3000 mAh की बैटरी एंड ये इन्फोकस A2 प्रोवाइड करता है दोस्तों 2400 mAh की बैटरी। तो यार बैटरी डेफिनेटली आप लोगों को Redmi 5A में ज्यादा देखने को मिलता है एंड बैटरी बैकअप भी आप लोगों को डेफिनेटली Redmi 5A में ज्यादा देखने को मिलेगा। और दोनों ही में आप लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, जबकि 10R D में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। 10R D एंड Redmi 5A का कंपैरिजन वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है ऊपर कार्ड आ रहा है देख लीजिए, तो आपका एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि
आप लोगों को 10D परचेस करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। 10D काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है Redmi 5 के बदले में, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिए। और अगर आप लोग को इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन के बारे में और कुछ जानना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारे वेबसाइट का, वहां पे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे आप लोगों को इन दोनों डिवाइसेस के। तो आपका क्या राय है इस इन्फोकस A2 के बारे में? क्या आप परचेस करेंगे 5,200 रुपए में इन्फोकस A2 या फिर आप जाएंगे देश का स्मार्टफोन यानी कि Xiaomi Redmi 5A के तरफ? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपना राय। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी को जो लोग भी 5,000 के रेंज में स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं या फिर खरीदने का सोच रहे हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।